जटाशंकर की मौत पर क्यों उठ रहे सवाल, क्या कहा बिल्डिंग निवासी और रिजवान अंसारी ने। रफीक कामदार, हिंदुस्तानी रिपोर्टर में आपका स्वागत है। एक दिन पहले हमने आपको खबर बताई कौसा चांदनगर परिसर की जरीना अपार्टमेंट में महावीर डेयरी नाम से दूध की दुकान चलाने वाले दूध के व्यापारी जटाशंकर पाल की अचानक लाश मिली। दूध देने गए थे कौसा अलमास कॉलोनी के एमराल्ड बिल्डिंग में, लिफ्ट के गड्ढे में, डक्ट में उनकी लाश मिली है। किस तरह से ये लाश मिली है, खोजबीन करने के लिए उनके अपने बरसों के पुराने ताल्लुकात के जो चांदनगर परिसर के लोग हैं, जरीना बिल्डिंग के लोग हैं, जैसे इरफान अंसारी है, उनके बेटे हैं, ऐसे कई लोग हैं जो जटाशंकर पाल को बेहद करीब से जानते थे लगभग 20 से 25 वर्षों से। वहीं जिस एमराल्ड बिल्डिंग में दूध देने गए और वहां लाश मिली, संदिग्ध हालात है, संदेहास्पद स्थितियां हैं। लिफ्ट का दरवाजा लिफ्ट के आने के बाद ही खुलता है, फिर डक्ट में लाश कैसे गई, चोटे कैसी है, किस तरह की। बिल्डिंग निवासी इब्राहिम शेख, इनसे हमारी बात हुई। इसके अलावा बचपन से जवानी तक पहुंचने वाले रिजवान अंसारी, उनके पिता के दोस्त मृतक जटाशंकर पाल, तो रिजवान ने क्या बताया इस बारे में, सुनिए। अभी भी यह मामला लोगों को संदेहास्पद क्यों लग रहा है, क्यों कर यह मौत रहस्य भरी लग रही है, क्या उसके कारण है। रिजवान, ये जो मृतक है उसकी अभी डेड बॉडी आप लोग ने लेके आई है, आप कल से परेशान है, आपका क्या रिलेशन लगता है उनसे? एक्चुअली वो मेरे डैडी के बहुत पुराने दोस्त थे और हम लोग एक ही बिल्डिंग में रहते, तो बहुत पुराना रिलेशन था उनके साथ में, तो हम लोग उनको चाचा बोलते थे। अच्छा। तो वो रिलेशन था। कल सुबह 9:30 बजे वो दुकान पे से निकले थे, उनका डेयरी का काम है। नाम क्या था उनका? जटाशंकर पाल नाम था। दुकान किधर है उनकी, वो एड्रेस क्या है? वो चांदनगर में है, जरीना अपार्टमेंट में। तो यहाँ से उनकी महावीर डेयरी है, वो डेयरी का काम करते थे। सुबह में जो दूध का सप्लाई होता था वो उसका काम पूरा देखते थे। तो कल सुबह में 9:30 बजे वो घर से निकले यहाँ से डेयरी पे से दूध देने के लिए। तो अलमास कॉलोनी की तरफ में अनमोल अपार्टमेंट बिल्डिंग है, वहाँ पर वो रोज़ दूध देने के लिए जाते थे 5वें माले पर। तो कल भी उनकी रूटीन के हिसाब से वो निकले 11:30 बजे। अब वो 11:30 बजे गए तो उनके साथ में जो भाई थे वो दूसरी जगह दूध डालते थे और ये दूसरी जगह दूध डालते थे। तो 12:30 बजे तक के ऑलमोस्ट वे लोग वापस आ जाते थे। तो कल वो 12:30 बजे जब वापस आए तो मालूम पड़ा कि जो जटाशंकर पाल है वो अभी तक के आए नहीं। तो उनको थोड़ा सा फिक्र हुआ, वो गए देखने के लिए। तो उन्होंने इधर उधर देखा तो कहीं पर उनका ऐसा कुछ मालूम नहीं पड़ा। कौन जाके देखा? उनका जो भाई है, क्या नाम है? कृपा नाम है उनका, कृपा पाल। तो वो देख के आए, एक बार राउंड मार के आए, उनको कोई मतलब क्लू मिला नहीं उनके रिलेटेड। तो उन्होंने फिर हम लोग को फ़ोन किया कि ऐसा ऐसा हो गया है। 1:30 बजे की बात है, 1:30 बजे हम लोग को फ़ोन आया कि जटाशंकर पाल जो है वो सुबह में घर से निकले थे 9:30 बजे और अभी तक के घर पे आए नहीं है। तो हम लोग ने थोड़ा सा पूछताछ करना चालू किए, उनके नंबर पे फ़ोन कर रहे थे तो फ़ोन रिंगिंग जा रहा था, सुबह से फ़ोन कर रहे थे रिंगिंग जा रहा था। तो करीब 1:30 बजे के टाइम पे किसी ने फ़ोन उठाया और बोला कि उनका फ़ोन जो है ना वो अलमास कॉलोनी में फ़ोन मिला है और उनकी बाइक की चाबी, फ़ोन और जो दूध लेके वो यहाँ से निकले थे जैसे गाड़ी से। हाँ, तो वो वहाँ से निकले, यहाँ से निकले थे। तो हम लोग को मालूम पड़ा कि अलमास कॉलोनी में उनका फ़ोन मिला। तो फ़ोन गाड़ी की चाबी और 4 लीटर दूध लेके निकले थे वो वहाँ पे मिला। तो हम लोग ने जिसके घर पे गए थे उनको फ़ोन किए तो मालूम पड़ा कि वो दूध देने के लिए वहाँ पे आए नहीं और उनका जो दूध था, चाबी थी और फ़ोन था वो लिफ्ट के बाहर पड़ा हुआ था। तब हम लोग को ऐसा डाउट नहीं हुआ कि लिफ्ट के पास में वो होंगे क्योंकि लिफ्ट का जो दरवाज़ा था वो प्रॉपरली लॉक रहता, जब तक कि लिफ्ट आती नहीं है जब तक कि वो दरवाज़ा खुलता नहीं। तो हम लोग ने वहाँ पे मतलब लिफ्ट के नीचे देखे नहीं, वहाँ पे जितने भी CCTV कैमरा वगैरह थे तो हम लोग ने वहाँ पे चेक करने की कोशिश की कि वो अंदर आए कि नहीं आए बिल्डिंग में। तो वहाँ के जो CCTV थे उससे कोई हम लोग को हेल्प मिली नहीं। उसके बाद में हम लोग को बोला गया कि एक बार चौकी में जाके कंप्लेन कर दो। तो हम लोग पहले मुमरा चौकी गए, मुमरा चौकी में जाके हम लोग ने कंप्लेन किए। तो उनने वहाँ से हम लोग को बोला कि एक काम करो, बीट पे जाओ आप, बीट पे हमारे जो हवलदार रहेंगे या मेजर रहेंगे वो आपके साथ जाएंगे वहाँ पे इन्वेस्टिगेशन के लिए। तो हम लोग कौसा बीट पे गए, कौसा बीट से हमने वहाँ पे पाटिल साहब थे उनको लिए, उनको लेके हम लोग जो स्पॉट था वहाँ पे स्पॉट पे गए, वहाँ पे इंक्वायरी किए। जिसको फ़ोन मिला था उन्होंने बोला कि मैं सुबह 11:30 बजे जब ऑफिस के लिए निकला तो मैंने जैसे लिफ्ट का दरवाज़ा खोला तो लिफ्ट के बाहर ही फ़ोन, चाबी और दूध जो है वो पड़ा हुआ था। तो उन्होंने उठा के एक दुकान वाले को दे दिया। वो दुकान वाले ने हम लोग को बिल्डिंग का नाम वगैरह बताया, हम लोग वहाँ पे गए इन्वेस्टिगेशन किए, कुछ मालूम नहीं हुई। उसके बाद में उन्होंने बोला, कौसा बीट से जो लोग आए थे उन्होंने बोला कि आप एक बार मुमरा चौकी में जाके FIR फाइल करवा दो।
तो हम लोग FIR के लिए गए। तो जो हमारे हमारी जो टीम थी, हमारा लिसान मामू है, उन्होंने अपने दोस्तों को बोला था वहाँ पे एक बार देखने के लिए। तो उसमें से जो वहाँ के नगर सेवक है शालम, उन्होंने लड़के भेजे वहाँ पे देखने के लिए। तब जाके कोई बच्चा था वहाँ पे, उसने देखा कि लिफ्ट के नीचे कोई आदमी है। तो जब लिफ्ट का दरवाजा नहीं खुल रहा था तो वो बच्चे ने कैसा देखा? वो लिफ्ट के ऊपर का जो फ्लोर है ना, वहाँ पे ग्रिल है, तो वो ग्रिल से नीचे दिखता है। लेकिन अच्छा। पहले कोई किसी ने टॉर्च वगैरह मार के वहाँ देखा नहीं था, क्योंकि लिफ्ट के नीचे जाने का कोई दूसरा रास्ता नहीं है, तो किसी को आइडिया ही नहीं था कि वो लिफ्ट के नीचे फंसे हुए। तो जब वो बच्चे ने देखा तो बच्चे ने बोला कि नीचे कोई है। तो जो वहाँ के फहीम भाई है जो वहाँ पे सोशल वर्क करते हैं, उन्होंने फिर वो लिफ्ट का दरवाज़ा खुलवाया। उसके बाद में मालूम पड़ा कि उनकी बॉडी वहाँ पे है। तो 7-8 घंटा करीब मतलब उनको डेड होके हो गया था। तो उसके बाद में हम लोग को 8-8:30 बजे के करीब करीब बॉडी मिली। अभी आप लोग कलवा से PM करवा के आए, तो बॉडी पे कुछ मार के निशान या कुछ ऐसा थी? बॉडी के ऊपर उनका जो लेफ्ट का पैर है ना, वो टूट गया है, और चेस्ट पे यहाँ पे उनको एक कट लगा हुआ है। ये कट है पीछे उनके बैक पे, जैसे घसड़ा लगता है वो थोड़ा सा घसड़ा है। और बाकी जैसे सर वगैरह पे, तो जैसे लिफ्ट के नीचे अगर प्रेस भी हुए रहेंगे तो उनको सर वगैरह पे, मुंह वगैरह पे कोई भी ऐसा मार्क्स नहीं है। खाली जो उनको मार्क्स है वो पीठ पे और एक चेस्ट पे, और उनके पैर में से ब्लीडिंग हो रही थी। वो ब्लीडिंग है बस वहाँ पे एक जगह कट लगा हुआ, और पैर जो उनका वो घूम गया पूरा। मतलब मारा हुआ दिख रहा है या गिरा हुआ? अब कैसे, गिरने के बाद में अगर वो ऊपर से गिरते थे तो आवाज़ आती थी। नीचे जो लिफ्ट है ना, लिफ्ट के जस्ट एकदम लग के एक दरवाज़ा है, अगर आदमी गिरा या फंस गया तो आदमी आवाज़ देता, तो बाहर तक की आवाज़ आती है, क्योंकि लिफ्ट सुबह से वर्किंग थी। सुबह से कई लोग अंदर गए, हम लोग खुद उसके अंदर जाके ऊपर तक के इन्वेस्टिगेशन करके आए, हम लोग को मालूम ही नहीं पड़ा। अगर किसी ने, अगर वो गिरे भी होते तो कम से कम आदमी एक बार आवाज़ देता है। नीचे से आवाज़ आती थी कि अंदर कोई फंसा हुआ है, लेकिन आवाज़ नहीं। उनका मोबाइल बाहर पड़ा हुआ, उनकी चाबी बाहर पड़ी हुई है। आदमी कितना भी वो होगा, अगर अगर गिरता है उसका फ़ोन उसके जेब में रहना, बाकी का सब सामान उनके जेब में, फ़ोन उनका बाहर कैसे आ गया? तो अब वो दरवाज़ा भी खुलता नहीं है। तो अभी इन्वेस्टिगेशन में उन लोग चेक करेंगे, पुलिस वाले लोग के ऊपर डिपेंड है वो। तो मैं तो यही अपील करूँगा पुलिस से कि जिस अगर मर्डर है वो, तो उसके रिलेटेड जो भी जानकारी होगी, जो भी पूछताछ होगी, वो आप अपने तरीके से करिए, और इसके लिए जो भी रिजल्ट होगा वो आप बताइए। पहले किसी से दुश्मनी थी? नहीं, इनकी दुश्मनी हम लोग को, आज मैं 25 साल का हो गया, हमारा बचपन यहीं पे गया उनके सामने, कभी मैंने उनको किसी से तू धड़ाक करते हुए भी नहीं देखा। उनकी कोई दुश्मनी नहीं, कोई ऐसा व्यवहार ही नहीं था उनका कि उसके रिलेटेड उनकी दुश्मनी हो किसी। भाई क्या नाम है आपका? मेरा नाम इब्राहिम शेख। इब्राहिम भाई, ये आप किधर रहे थे? मैं अनमोल प्लाजा में। ये वही बिल्डिंग की लिफ्ट के गाले में इनकी लाश मिली। आपने कुछ चैनलों में कल बयान भी दिया, मगर मैं कुछ हट के आपसे बात करना चाहता हूँ। लिफ्ट में ये गिरे तो, मगर उस लिफ्ट का दरवाज़ा कैसे खुला, कुछ ऐसा आप बता सकते हैं? क्योंकि आप उस बिल्डिंग के रहवासी हैं, लिफ्ट में क्या फॉल्ट है क्या नहीं है वो आप लोगों को ज़्यादा मालूम है। लिफ्ट का तो ऐसा मसला है ना, जब तक लिफ्ट नहीं आती दरवाज़ा बाहर का खुलता नहीं, और ऐसा कोई इमरजेंसी बात हो, लाइट चले जाए तो एक सलिया रहती है वो लिफ्ट के बाजू बिल्कुल बाहर, उस पर घुसा कर वो दरवाज़ा खोला जाता है। तो जब तक वो खुलेगा नहीं तो लिफ्ट कॉमन, वो सब बिल्डिंग वालों को मालूम है ऐसे ही खोली जाती है? बिल्डिंग वालों को मालूम है, जो बिल्डिंग में रहते रहवासी उनको मालूम है, बाहर वाले को तो पता नहीं है। तो कल लिफ्ट चालू थी पूरा दिन? आप पूरा दिन नहीं चालू थी, कल लिफ्ट जो बंद हुई 10 बजे, 10:30 बजे लिफ्ट बंद हुई, 10:30। हाँ, तो ये 15-20 मिनट के लिए लाइट भी चले गई थी, लाइट गई थी 15-20 मिनट के लिए, तो बाद में फिर लाइट आई तो लिफ्ट बंद थी। लिफ्ट बंद, हाँ लाइट चालू, फिर बिल्डिंग की लाइट चालू। ये दूध देने जाते थे पाँचवें माले, कितने माले थे? पाँचवें माले पे दूध देने जाते हैं। अब जैसे बताया जा रहा है पाँच माले पे, आप ही ने बताया था कल, वहाँ इनका मोबाइल पड़ा हुआ था और चाबी थी, है ना? और कुछ लोग ऐसे भी बता रहे हैं उनके दूध का वो गैलन भी वहीं पड़ा हुआ था, चाबी भी पड़ी थी, और ये भी अलग अलग तरीके से बता रहे हैं, अलग अलग तरीकों की बात है। वो आदत में था भी नहीं जी, मैं जो सुना वो बता रहा हूँ जी। यानी पुलिस ने, मतलब आपने क्या सुने? यही सुना कि भाई चार माले पे जो दूध देने जाते थे, चार माले, हाँ, तो उधर पे उनका मोबाइल मिला, वो रहवासी जो थे चार माले पे जब दूध देने जाते, उन्होंने उस चीज़ को, उनके मुद्दे को हाथ लगाया ना, ये बोले किसका पड़ा है हमका। अच्छा, उनको नहीं मालूम था उनके इधर जो दूध देने आता है उनका है, या उसी का मोबाइल? और हमने सुना, ये आपने सुना। ये बिल्डिंग में आपके ये पहली बार ऐसा हादसा हुआ है या आगे और भी हादसा? ये पहली बार, इससे पहले कभी नहीं हुआ, कभी हुआ ही नहीं।
बल्कि लीफ बंद हुई दो दो तीन दिन भी, कभी लीफ खराब होती है तो बंद होती है, बाकी इससे पहले कभी ऐसा वारदात हुई नहीं और कभी हादसा। अच्छा, ये कई सालों से आपके बिल्डिंग में दूध देने आते हैं, कभी आपने सुना इनका किसी से विवाद हुआ था? नहीं, नहीं, मैंने तो कभी सुना नहीं, खाली इतना सुना कि भाई वो चार माले पे पांच माले पे दूध देने आते, वो मैं सुना, और मेरा दूध लेने का तो सवाल ही नहीं था। हमारी बिल्डिंग में नीचे दूध वाले हैं और भी कई दूध वाले हैं, काफ़ी दूध वाले नीचे, उन लोग से हमारा रिलेशन है, बाकी वो इनसे जामनगर से दूध आता है उससे हमारा कोई वास्ता नहीं, इनसे कोई वास्ता नहीं। जैसे आज आपकी बिल्डिंग में हम गए थे, मगर आज उधर कोई बात करने तैयार ही नहीं, ऐसा क्यों? पता नहीं, फोन गरीबी रहती है, बोले खून जमेले में पड़े आज की तारीख में। नहीं, मगर क्या है, कुछ किसी को मालूमात हो जाए और वो मालूमात दे देने से ये हादसा कैसे हुआ है, या मारा गया है या गिर के हुआ है, क्या वजह है, तो वो मालूमात हो जाए तो आम बता नहीं सकती है। आपके अंदाजे से क्या लगता है? मेरे अंदाजे से तो मैं कुछ बोल नहीं सकता भाई, क्योंकि लिफ्ट का मसला जो ऐसा है आपको भी पता नहीं, मतलब लिफ्ट से गिरने से हुआ है या मतलब कुछ इसमें आपको कुछ अलग गोलमाल लग रहा है? वो भी सकता है, बोल नहीं सकते, क्योंकि लिफ्ट का मसला ऐसा है, आप जानते हैं, आप खुद एक एजुकेशन थी कि लिफ्ट का दरवाज़ा खुलेगा तो लिफ्ट बाहर आती है, पब्लिक बाहर आती है, और लाइट चलेगी अगर बीच में सेंटर में, अगर लिफ्ट रुकी हो तो सलिया डाल के खोलेंगे तो वो उसको बाहर निकाल सकते। अच्छा, मेरा लास्ट सवाल है आपसे, जब बॉडी नीचे पड़ी थी, लिफ्ट भी बंद हो गई थी, तो कैसे मालूम पड़ा नीचे बॉडी है? अभी ये किसने बताया? अभी तो ये जिन्होंने इनके कोई रिलेटिव आए थे वहाँ पर, तो उनको उनको जानकारी हुई ये चीज़ों की। नहीं, तो मतलब कैसे से देखे बच्चे ने, किसी ने देखा बोलते दिखाया टॉर्च मार के। अच्छा, तो ऐसा पता चला, तो मुझे भी नहीं मालूम था, तो जो मेरे को जितना मालूम आता मैंने वो बताया। अच्छा,